मीटिंग सदी जिथे जेडे तीन ऑर्डिनेंस जेडे उन्होंने पास किए हैं उन्होंने सारी पार्टीज के व्यू लिते। श्रोमणी अकाली दल ने पूरे सारिया पार्टियां क्लीयर करके कहा है कि जिहड़िया आ एक्ट पास किया जिहड़ा एक्ट तीन है एक जिहड़ा मंडी वाला एक्ट है एक प्रोक्योरमेंट कंट्रैक्ट है तो दूजा जिहड़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट है तिने एक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीन साल पहले आ पंजाब च पास करते हैं। सो मैं कैप्टन साहब नूं सवाल पूछा सी कि तुसी मीटिंग बुलाई है किस परपज वास्ते बुलाई है तुसी अस एक्ट तो पास करते हैं कि तुसी समझते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट माड़ा है यदा मतलब तुसी पहले तीन साल पहले वो माड़ा काम क्यों किया। मैं उन्होंने एक सवाल स्पैसीफिक पूछा कि तुसी डिनाई कर सकते हो कि तुसी आ जिहड़े एक्ट तीन पास किए तुसी नहीं पास किए तीन साल पहले चुप रहे। हुण जिहड़ी रेजोल्यूशन पास की उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है तीन चीज़ों पर एक तो क्या उन्होंने कि असी रिजैक्ट करते हैं एक्ट नूं। मैं उन्होंने उदों ही ऑब्जेक्शन पाए मैं क्या जी जे तुसी अपने एक्ट नूं रिजैक्ट करते हो इहदा मतलब है जिहड़ा तुसी तीन साल पहले पास किया कि वह सही सी जो कोई है तो चीफ सिंह तो जे तुसी कहने हो कि साढ़े फैडरल पावर्स लिखिया गई उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साढ़े फैडरल पावर्स लिखिया असी उन्होंने की कि तुसी चिट्ठी लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं कहो कि तुसी आ एक्ट तुसी बना नहीं सकते क्योंकि आ फैडरल एक्ट आ धारा राही तुसी गलत किया है। जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैडरल पावर की फैडरल पावर की गलत वरतों की है श्रोमणी अकाली दल उन्होंने नाल खड़ूगा असी क्या असी आप लड़ाई लड़ांगे। पर जे फैडरल पावर सही वरती गई है तो फिर इन्होंने किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है। दूजी गल असी उन्होंने शोर गल की तो जो सैकंड रेजोल्यूशन है कि एम एस पी जारी रहनी चाहिए है तो खरीद जारी चलनी असी उन्हें सपोर्ट किया कि सारी पार्टी क्या कि एम एस पी जारी रहेगी। तो मैं खुशी है कि खेतीबाड़ी मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा स्पष्ट तरीके कह दिता है कि इन्हों एक्टा का एम एस पी ना कोई तलक नहीं एम एस पी चल रही है चलूगी अगे तो भी चलती रहेगी सदा ली पंजाब नूं एम एस पंजाब के किसानों नूं एम एस पी दे खरीद होगी तो पूरी खरीद होगी। हाँ उन्होंने क्लियर किया उन्होंने आ भी किया उस अशोरेंस देवांगे पूरे देश को क्योंकि पार्लीमेंट की अशोरेंस कानून होंदा कि अशोरेंस देवांगे कि एम एस पी जारी रहेगी तो परमानेंटली जारी रहेगी तो खरीद भी जारी रहेगी। तीजी गल उन्होंने रेजोल्यूशन किया कि आप सारे प्रधानमंत्री मिलिए असी असी तैयार हैं जे थोड़ा फिर भी कोई चीज़ से शंका जी तैयार है जवाब नहीं दे सके उन्हों की पार्टी उन्होंने सरकार अफसर जवाब नहीं देंगे कि उन्होंने एक्ट क्यों बनाए पहले जे वो मुखालत कर रहे तो पहले एक्ट क्यों बनाए ऐसी उन्होंने पोल खुल गया उन्होंने मनसा आ सी कि ड्रामा कर साड़ी ऑल पार्टी मीटिंग पोलिटिकल पार्टी मीटिंग सी उन्होंने मतलब से क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े स्कैम घिरे है अपने लैंड अपने सैंड माफिया च घिरे पे है बीज घोटाले हो जाते हैं शराब के घोटाले हो जाते हैं नरेगा के घोटाले हो जाते हैं थोड़े जोड़े गरीबों के पैसे जोड़े आटा दल देना से घोटाले हो जाते हैं आ निगाह बदलाव वास्ते मैं क्या सी उत्थे मैं क्या कैप्टन साहब तुम अपने जोड़े घोटालिया तो बचन वास्ते नवा ड्रामा शुरू किया आ ड्रामा थोड़े तो थोड़े उल्ट पेगा क्योंकि काम तो तुम किए एक्ट तुम पाप किए चुप रह गए हो जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने एक्ट क्यों पास किए हैं। इस करके कांग्रेस का ड्रामा पोल खुल गई इस मीटिंग दे उस मीटिंग तो ऑल पार्टी के कई लोग मैं हैरान है जिहड़ी कांग्रेस की बी टीम सानू कई चीज़ा पता निकलियां इस ऑल पार्टी मीटिंग कि आम आदमी पार्टी तो दूजे जो कई इन्हों के बंदे सदे आम कांग्रेस की बी टीम वांगू लग रहे थे उन्होंने किसी ने एक्ट नहीं पढ़िया सी ना उन्हें प्रोविजनस पढ़िया सी कल इको एक गल सी जो कैप्टन साहब ने उन्हें सिखाया सी वही बोलन पर लगे सी इस करके असी ऑल पार्टी असी अज उन्हें बेनती की कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिहड़े पंजाब दे जिहड़े बर्निंग इशूज़ है जिहड़ा बीज दे घोटाला होया शराब का घोटाला होया अपने रेते दी घोटाला होया खजाना लुटिया ज़्यादा इहदे ते ऑल पार्टी मीटिंग सदी जाए तो उहदे तो भज गए है। इस करके मैं कहना चाहना है कि कैप्टन साहब की जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी जो मकसद ना की थी सी वो मकसद पॉलिटिकल सी
कोई किसान हित नहीं सी, क्योंकि फैसले सारे ही कैप्टन साहब ने पहले तीन साल स्पष्ट किया जा रहा है। सर अकाली दल स्टैंड स्पष्ट करे कि अगर ऑर्डिनेंस दे विच ए गल कीती जांदी है कि एमएसपी कटाई जाएगी, एमएसपी बंद कीती जाएगी, या फिर मंडियां दा निजीकरण होएगा, मंडी बोर्ड खत्म कराया जाएगा, तो फिर अकाली दल का की स्टैंड होगा? क्या किसान मैं तुम्हें अज क्लीयर कर देना है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते मैं कहना चाहना है ना, साडे वास्ते कोई मंत्रीपन इंपोर्टेंट है, ना गवर्नमेंट सरकार इंपोर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपोर्टेंट है, साढ़े वास्ते पंजाब का किसान, पंजाब की लोगों की जिहड़ी मंगा है, साढ़े हित, साडा श्रोमणी अकाली दल का पिछले 100 साल का इतिहास है, तो इस करके मैं श्योर करदा जदों तक श्रोमणी अकाली दल है तो साड़ी असी सरकार दसी है एम एस पी रहूगी, परचेज रहूगा, कोई भी सरकार अज इन्हां दी कोई होर अगे भी आए MSP हटन नहीं देवांगे। तो मैं बेनती करता कि कांग्रेस के उन्होंने चेलियां गलत प्रचार ना कर। सर डीजल